ओके सो गाइस आज अपन खेलने वाले हाइड एंड सीक, लेकिन भाई ट्विस्ट ये है कि अपन हाइड एंड सीक इन वन कलर खेलने वाले हैं। गाइस तो इसमें रूल्स हैं और रूल्स काफी सिंपल है। अगर आप एक कलर में छुपोगे तो आप बच जाओगे। जैसे गाइस मेरा कपड़े का कलर ब्लू है, तो अगर मैं किसी ब्लू कलर की चीज में छुपता हूँ तो गाइस मैं सेफ हूँ। और गाइस अगर अपन किसी दूसरे कलर में छुपते हैं तो भाई अपन अनसेफ है। लेकिन गाइस इसमें भी एक ट्विस्ट है। गाइस ट्विस्ट ये है कि अपन जिस भी कलर में छुप रहे हैं अपन उस कलर में एक मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते भाई। सो गाइस फॉर एग्जाम्पल शिनचैन का कलर येलो टाइप का है। हाँ मतलब पूरा येलो नहीं है, पर एग्जाम्पल के लिए गाइस, तो अगर वो येलो कार में छुपता है तो मैं उसे आउट नहीं कर सकता। लेकिन गाइस अगर मैंने उसको देख लिया है और अगर एक मिनट के अंदर वो अपनी जगह नहीं बदलता है तो मैं उसे आउट कर सकता हूँ। मतलब आप समझ गए होंगे। लेकिन गाइस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ अपन खेल कहाँ रहे भाई। ये बहुत बड़ा कोई मॉल जैसी जगह है। गाइस अंदर देख सकते हो यहाँ पे गेम जोन है, उसके बाद बहुत सारी अलग अलग चीजें, और गाइस ये बहुत ज्यादा बड़ा है। सो हाँ हमें ढूंढते ढूंढते बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन फिर भी, और हमारे पास काफी सारे कंटेस्टेंट है गाइस, टोटल 9 लोग हैं। तो गाइस देखते हैं अपन ढूंढ पाते या नहीं। ठीक है तो तुम सारे जाके छुप सकते हो। मैं ऐसा छुपूंगा कि किसी ने सोची ना होगी। अरे जब तो खुद नहीं सोच पाता है, कोई दूसरा कहाँ से सोचेगा भाई। वही तो भाई, मैं 10 तक गिर रहा हूँ, तुम सारे यहाँ से गायब हो जाना। 1 2 10। हो भाई साहब, गाइस ये सारे छुप चुके हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ गाइस, देखो इस बार अगर हम चाहे तो चीटिंग कर सकते हैं, लेकिन भाई आप लोग कमेंट करके मेरा भांडा ही फोड़ देते हो। तो गाइस इस बार मैं कोशिश करूंगा कि मैं चीटिंग ना करूं, लेकिन अगर हालत एकदम हाथ से ही बाहर चल जाती है गाइस, तब मुझे चीटिंग करना कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन गाइस अब अपन अंदर चलते। और भाई साहब मैं आपको एक बात बता दूं गाइस, अगर हमने शाम होने से पहले ये नहीं खोजा तो अपन प्रॉब्लम में आ जाएंगे, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम गाइस। फिलहाल तो मुझे मन कर रहा है कि एक आध बाइक में बैठ के थोड़े बहुत गेम्स खेल लूं। भाई यहाँ कितने सही गेम लग रहे हैं, मतलब गाइस प्रॉपर मॉल वाली फील आ रही है। लेकिन आपको पता है कि अपने को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने को कलर्स पे खेलना है गाइस। सबसे पहले ना हगी का था ब्लू कलर, अपन जितनी ब्लू कलर की चीजें है ना गाइस वो चेक कर लेते हैं। ये तो मैं अपने एग्जांपल के लिए यूज कर रहा था। लेट्स सी ओके, यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है गाइस। एक मिनट, मैंने अभी एक चीज रियलाइज की, अगर हमें कोई कलर वाला बंदा मिल गया तो हम उसे आउट ही नहीं कर पाएंगे भाई साहब। मतलब अपन एक मिनट गाइस, स्लेंडर वाले चाचा, ओ भाई गाइस मेरा सर चकरा गया। ये बंदा कलर में ही ब्लैक है, तो ये ब्लैक उसमें छुपा हुआ है भाई। एटलीस्ट छुप तो जाता, छुपा भी नहीं है। लेकिन गाइस क्योंकि ये मैचिंग कलर्स में, तो अपन इसे आउट नहीं कर सकते भाई, बहुत बैड लक है ये। लेकिन क्योंकि हमने इसे देख लिया, तो अगर ये एक मिनट के अंदर गायब नहीं होता है तो अपन इसे आउट कर सकते हैं गाइस। लेकिन गाइस अपने को अगर जल्दी जल्दी सबको ढूंढ, ओ भाई का एक मिनट, जॉब द ग्रेट। लेकिन तू तो ब्लैक में छुपा भी नहीं है, मुझे क्यों आउट किया? अरे भाई तू ब्लैक में ही नहीं छुपा था? अरे ढंग से देखो भाई, ये लाइट ब्राउन कलर टाइप की है, लाइट ब्राउन। हाँ लेकिन तू तो लाइट ब्राउन नहीं लग, एक मिनट गाइस ये कंफ्यूजन हो गया। ये लाइट ब्राउन है, लेकिन आप देख सकते हो उसका पट्टा है और थोड़े बहुत पैचेस है, लेकिन गाइस ज्यादा कलर इसका ब्लैक है। तो मेरे बुद्धू, मेरे सबसे इंटेलिजेंट चौप भाई, तू आउट हो चुका है, ठीक है। तो मैं दिमाग नहीं लगाता हूँ, और जैसे ही लगाया आउट हो गया, इसीलिए तो नहीं लगाता हूँ। भाई देख, तू लगाया ना लगा, तेरे साथ कुछ तो कुछ बुरा ही होता है गाइस। मतलब इस बेचारे चौप का दुख दर्द तो मैं समझ सकता हूँ गाइस। एक मिनट गाइस, मेरे को यहाँ पे ओ भाई, ये भी ब्लू कलर में छुपा है यार, ये आउट होते होते बच गया। अरिन भाई इतना भी आसान नहीं है मुझे आउट करना। हाँ ठीक है, लेकिन एक मिनट का ही तो टाइम है गाइस। एक मिनट से याद है, अपने सिलेंडर मैन को एक बार देख चुके हैं, अगर वो वहीं पर होगा ना तो अपन आउट कर देंगे भाई, जल्दी जल्दी चलो। अरे ओके गाइस, अब ओ भाई शिट, हमारा सिलेंडर वाला चाचा यहाँ से गायब हो चुका है गाइस। मतलब भाई मैं इतने हाई होप्स लेके उसे आउट करने आया था और वो गायब भी हो गया। अरे वाह गाइस, मैं तो अपने कलर को ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बिना कलर के भी छुप जाऊंगा। ये देखो, ये रेलिंग थोड़ी बहुत तो मिल रही है मुझसे, मेरे लिए यही ठीक है। वैसे भी यहाँ तक ये कभी नहीं पहुँच पाएगा गाइस। गाइस अपन अंदर तो जाके देखे ही नहीं है गाइस, अंदर देखते उसके बाद वापस जाके शिनचैन को चेक करेंगे, हो सकता है वो बंदा कहीं और। एक मिनट, सीक्रेट दरवाजा जो कि टूट गया, व्हाट? एक मिनट गाइस, वहाँ पे मुझे आलोक क्यों दिख रहा है? क्योंकि वहाँ पर वो है। और भाई आलोक कैसे हो? अरे यार
भाई साहब गाइस, ये आलोक इतना डम कैसे हो सकता है? भाई आलोक, तुझसे तो मैंने बेटर एक्सपेक्ट किया था। अरे यार, सबको मुझसे अच्छी एक्सपेक्टेशंस क्यों होती है? कभी क्या मैं बुरा नहीं कर सकता? नहीं नहीं भाई, कर सकता है, इतना प्रेशर मत ले। लेकिन गाइस, अब हमने दो बंदों को आउट कर चुका है, मतलब चॉप को मैं बंदा नहीं बोल रहा, बट स्टिल चॉप और आलोक दोनों आउट हो चुके हैं। और गाइस, अब अपने को ना ये जो विलन्स होते हैं ना भाई, इन्हें पकड़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले एक काम करते हैं, शिनचान को चेक करके आते हैं। गाइस, वहां से हट चुका है कि नहीं? ओ भाई साहब, गाइस शिनचान हट चुका है, लेकिन अब ये आ गया। इसका कलर और इस दीवार का कलर तो बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, तो मैं इसे आउट नहीं कर सकता गाइस। लेकिन हमें कोई तो ऐसा मिलेगा जो दूसरे कलर में छुपा होगा। एक मिनट गाइस, यहाँ मेरे को किसी का तो सर दिखाई दे रहा है, बट क्लियर नहीं है। लेकिन रुको, ये देखो, कोई तो है, पेनीवाइज। गाइस आप बताओ, क्या ये व्हाइट कलर है? नहीं, ये गोल्ड है। और ये बंदा व्हाइट कलर में, तो गाइस अगर ये कैश में छुपता, मतलब पैसे में, तो फिर भी मिलता इसका कलर, लेकिन ये गोल्ड के अंदर घुस के छुपा है। ओके गया भाई। गाइस अपन ने गलत तो आउट नहीं किया ना, मतलब आप लोग ही में वो कमेंट करके बताओ भाई, अपने गलत किया है कि सही किया है। क्योंकि गाइस अगर ये गोल्डन होता तो ठीक भी था ना, बट बंदा व्हाइट है, इसका मतलब ये आउट हो गया। गाइस ये थोड़ी बहुत गलतियों के कारण आजकल बंदे आउट हो रहे हैं। और गाइस अगर आप चाहते हो कि आप गलती ना करो, तो भाई सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करना ही गलती है गाइस। मतलब अपन इतने टाइम से तो गाइस साथ में वीडियो देख रहे हैं, तो गाइस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करो। और मैं आगे के बंदों को खोज रहा हूँ, मतलब ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है गाइस, इन लोगों को मैं यू खोज लूं। और गाइस मैं आपको एक बात बताता हूँ, अपन सेकंड राउंड भी खेलने वाले, और सेकंड राउंड में हम छुपने वाले कंटेनर्स में, लेकिन इस बार डेन मैं नहीं दूंगा भाई। सेकंड राउंड में डेन वो देगा जो सबसे पहले आउट हुआ था, का मतलब चौक दाम देगा। गाइस मैं अभी पानी में गया था, मेरे को कुछ तो फील हुआ है। एक मिनट, ओके ओके, अरे यार क्यों किया, मैं तो ब्लू कलर में छुपा था। अरे भाई बुद्धू, पानी का कोई कलर नहीं होता है। लेकिन ये तो ब्लू दिख रहा है। भाई देख, मैं नहीं जानता, ये ब्लू नहीं है भाई, तू आउट हो गया। अरे यार गाइस, अपन कितने क्लोज आ रखे, मतलब बंदे फटाफट मिल रहे हैं गाइस अपने को। मैं बोला ना, अपन हाइड एंड सीक में प्रो चुके गाइस, प्रो। और गाइस हगियोई का भी टाइम हो गया, देखते हैं वो अभी भी वही है या नहीं। एक मिनट भाई, भाग रहा है। ओके रुक जा, इसका टाइम हो गया, इसको पकड़ो। ओके गया, यस गाइस अपन मतलब अभी गए रहते गाइस, क्योंकि इसका एक मिनट अभी करेक्ट हुआ और बंदा यहाँ छुपा था। और गाइस यहाँ से ये तुरंत निकला और हमने इसे आउट कर दिया। तो अब आउट हो कौन कौन चुके? आलोक, चॉप, हगी, पेनीवाइज और शिनचैन। गाइस छह बंदे आउट हो गए, अब बचे तीन है, स्लेंडरमैन, निर्मा और रोड्स आइसक्रीम। गाइस लेकिन अपने को ना एक चीज अभी भी सोचने वाली बात है कि निर्मा के लिए अपने को सारी, एक मिनट, इसके अंदर तो नहीं है निर्मा? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो यहाँ बिना किसी कारण के छुपा था। हाँ वही तो, तू यहाँ बिना किसी कारण के क्यों छुपेगा? गाइस इस काउच को लगता है एक आध फाड़ फूड के देखना पड़ेगा। गाइस वैसे तो इसके अंदर मेरे को कोई नजर नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं यहाँ से चलते हैं। गाइस लगता है इस बार चॉप सही ही बोल रहा होगा, क्या पता निर्मा ना हो यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, निर्मा वही होगी, मैं यहाँ पे छुप के देखता हूँ चॉप को। अरे भाई इतने गुस्से में क्यों है? गाइस से कुछ हो भी नहीं रहा, ये रोबोट है लगता है। लेकिन वो देखो चॉप, गाइस उसे छुप के देखते है ना, छुप के। अरे वाह आर्यन, इनको क्या बुद्धू बनाया हूँ। गाइस ये मुझे बोलता है कि मेरे पास दिमाग नहीं है, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ कि इसे ही टोपी पहना दिया। निर्मा अब तुम बाहर आ जाओ और अपनी जगह बदल लो, ये बुद्धू आर्यन कुछ नहीं कर पाएगा। अरे वाह गाइस, ये इतनी वाइट है कि एक सेकंड के लिए तो मुझे भी ना ही दिखी थी। एक मिनट गाइस, तो इस बुद्धू चौप ने वही किया जो इसे नहीं करना था। ओके निर्मा मिल गई है, लेट्स गो। अरे तुम कहाँ से आ गए? अरे भाई गाइस आउट हो गई। अरे भाई एक बात समझ, अगर मैं इसे पहले देख भी लेता तो मैं इसे आउट नहीं करता, क्योंकि अपने ही कलर में छुपी थी। ये भी मुझे कुछ ऐसा ही बोल रही थी, पर मैं ही नहीं माना। अरे यार गाइस, चॉप की बेवकूफी के कारण एक बार फिर से निर्मा आउट हो गई। लेकिन गाइस अब अपन लिफ्ट से जाने वाले डाउन फ्लोर में, और गाइस मेरे को लग रहा है नीचे कुछ तो खतरनाक होगा। ओके वो रही लिफ्ट, गाइस वो वाली लिफ्ट सीधा हमें नीचे लेकर जाएगी। 3 2 1 लेट्स गो। ओके अपन नीचे आ गए गाइस, नीचे काफी
बढ़िया कैफे दिख रहा है। और अगर आपको भी कैफे वगैरह पसंद है तो गाइज एक लाइक तो बनता है भाई। गाइज एक चीज तो हमने नोटिस ही नहीं करी, बाजू में काफी सारे यॉज भी है, अगर अपन चाहे तो जाके उसमें भी देख सकते हैं। मतलब कोई तो होगा जो शिप विप में छुपा होगा। ओके ये कैसे गेट है गाइज, कूदने से ही गिर जा रहे हैं। एक मिनट, ओके गाइज एक बार पहाड़ का व्यू लेते हैं। ओके व्यू गया भाड़ में, हमें कोई मिल चुका है गाइज। एक मिनट, ये तो ब्लू कलर, ओके ये व्हाइट भी कलर में, लेकिन गाइज बहुत सारा कंफ्यूजन है, क्या मैं इसे आउट करूँ या नहीं करूँ। गाइज अगर हमने किसी गलत आउट किया ना तो भाई तो हमारी ही चांस बढ़ने वाली है, मतलब हमें फिर से दाम देना पड़ेगा अगर अपने गलत आउट कर दिया तो। गाइज लोगों मेरे को सोच समझ के डिसीजन बनाना पड़ेगा। मतलब देखो इस बंदे का कलर व्हाइट तो है लेकिन ब्लू भी तो है, बट ये व्हाइट सोफे में छुपा है। गाइज मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, एक काम करते इसे एक मिनट देते हैं। एक मिनट तक अगर यहाँ पे नहीं रहा, अगर एक मिनट के बाद ये भाग गया तो इसे ढूंढ के आउट कर देंगे, लेकिन कंफ्यूजन में आउट नहीं करते गाइज, अपन ही आउट हो जाएंगे उसके कारण। गाइज अब एक ही बंदा बचा है, हमारे सिलेंडर वाले चाचा जी, और अगर अब वो नहीं मिले ना भाई तो भाई मतलब मैं गुस्सा हो जाऊंगा गाइज, क्योंकि एक बार अपन उसे खोज चुके। एक मिनट, यहाँ पे बीच में तो नहीं है। ओके वो आंटियों के बीच में क्या ही करेंगे गाइज, हो सकता है सिलेंडर वाले चाचा आजकल किटी पार्टी भी खेल रहे हो, मतलब वहाँ जोकर्स की कमी। एक मिनट, ये तो बहुत बढ़िया है, तू क्या कर रहा है यहाँ पे। मैं ये खिलौने को देख रहा हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक मिनट, तेरा यहाँ होना वो भी बिना किसी रीजन के कुछ जस्टिफाई नहीं हो रहा है। अरिन भाई चौप का यहाँ होना ही कोई रीजन नहीं है, चौप है ही बिना रीजन का। हाँ ये भी सही बात है गाइज, चौप होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई रीजन नहीं है। लेकिन ये गोल्डन मुर्गी क्या कर रही है, मैं गोल्डन अंडे देती होगी। अरे यार तू चुप कर। गाइज मैं ना आसपास एक बार ना खोज लेता हूँ, क्योंकि गाइज एक प्रॉब्लम ये भी है ना भाई, अपन स्लेंडरमैन को नहीं खोज पाए तो सेकंड राउंड में भी हमको ही दाम देना पड़ेगा गाइज, इसलिए अपन खोज लेते हैं। क्योंकि भाई अगर सेकंड राउंड में मैं दाम दिया ना गाइज, मैं नहीं दे पाऊंगा भाई, दाम देना इतना आसान नहीं होता है। मतलब गाइज उसमें लगता है दिमाग एनर्जी, लेकिन यहाँ इतने पैसे के साथ ये बड़े बड़े हाथ क्या कर रहे हैं। ओ भाई और चाचा जी, ओके गाइस हमारे सिलेंडर वाले चाचा आउट हो चुके हैं। गाइस अभी बस एक बंदा बचा है, वो ही आइसक्रीम वाले चाचा, लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन ओके वो यहाँ पर है, चाचा जी आउट। गाइस अब सब आउट हो गए, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हमने सारे बंदों को इतने फास्ट आउट किया है ना गाइस, मतलब बार बार इसकी प्रैक्टिस करके अपन प्रो हो ही गए। अब चलते सेकंड राउंड में, लेकिन गाइस सेकंड राउंड में जाने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से एक सब्सक्राइब का बटन दबाओ। चलो गाइस चलते सेकंड राउंड में, 3, 2, 1 लेट्स गो। ओके सो गाइस अब अपन आ चुके हैं सेकंड राउंड में, और गाइस ये हमारा कंटेनर वाला राउंड है। और गाइस आपको याद है अनफॉर्चुनेटली या फिर फॉर्चुनेटली हमारा चॉप जो कि सबसे पहले आउट हुआ था, अनफॉर्चुनेटली ही है भाई, मैं कैसे खोजूंगा। अब वो तो तू जान, लेकिन गाइस इस बार देखो दिक्कत ये है ना कि चॉप चीटिंग कर नहीं सकता है, अपन लास्ट टाइम क्या चीटिंग करके आराम से क्लियर कर लिए थे यार राउंड। लेकिन गाइस अब देखते चॉप बेचारा कैसे कर पाता है। तुम मुझे बेचारा बोल के बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मैं तुम सबको गलत साबित करूंगा। हाँ ट्राई कर सकता है गाइस, तो अपन अभी सारे छुप रहे हैं और देख सकते हो अपन बहुत सारे हैं। मुझे नहीं लगता चॉप इतनी आसानी से हमें पकड़ पाएगा, लेकिन लेट्स सी। ओके भाई सब 10 की गिनती में छुपेंगे। ओके 1, 2, 10 गाइस एक लौते नन्हे मुन्हे कुत्ते को छोड़ दिए हैं, अब मैं कैसे ढूंढूंगा। अच्छा तू अगर नन्हा मुन्ना है तो भाई शिनचान क्या है। गाइस आवाज तो आसपास से ही आई है, एक काम करता हूँ कहीं तक खोलता हूँ। और चॉप ध्यान रखना तेरे पास सिर्फ 9 टर्न ही है। सिर्फ 9 टर्न गाइस, यहाँ तो बंदे ही 9 है, इसका मतलब एक भी गलत और मैं गलत हो जाऊंगा। गाइस सीधा वाला ही खोलते हैं, 3, 2, 1 लेट्स गो। अरे अरे भाई गाइस क्या ही किस्मत है भाई, मैं इतना रोल मार रहा था अंदर से और इतने प्यार से छुपा था गाइस, इतना कुछ सोच समझ और मतलब सबसे पहले मेरे को आउट कर दिया गया। गाइस मतलब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है कि मेरे साथ तुम भी दाम दो। अरे नहीं मैं नहीं दूंगा, ये तो नहीं था रूल में। अब से है, अब तुम भी मेरे साथ दाम दोगे, हम दोनों सच समझ के खोलेंगे। अच्छा ठीक है, वैसे भी आउट होके करना क्या है, खड़े रहूंगा, उससे बढ़िया तेरे साथ ही दाम दे देता हूँ। गाइस लेकिन जब हाइड एंड सीक होता है ना और चॉप को बोला जाता है ना कि मेरी मदद करे, तब वो नहीं करता है भाई, लेकिन आज उसको ये एक्सपेक्टेशन है मेरे से कि मैं उसकी मदद करूँ। ठीक है, और गाइस अब अपन अपनी ये रे गन निकाल चुके हैं, इससे आप देख सकते हो जो भी बंदा अंदर होगा वो निपट जाएगा। और गाइस खोलने से पहले मैं एक बहुत चालाकी से एक चीज करने वाला हूँ, ये चीटिंग नहीं है लेकिन मैं कान लगा के सुनूंगा। इसके अंदर से वैसे तो कोई आवाज नहीं आ रही है। अरे बाप रे गाइस ये देखो आर्यन भाई यही पर है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, लगता है मुझे थोड़ा
बहुत दूर जाना चाहिए और यहाँ पे छुपे रहना चाहिए, मुझे तो डर लग रहा है। गाइस देखो मेरे को थोड़ी सी आवाज आ रही है और बच्चे टाइप की है, तो मुझे लग रहा है कि शिनचान है, लेकिन मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ, तो मैं थोड़ा सा कुछ करके देखता हूँ। ओके अरे यार ये अरियन भाई ऊपर से क्या कर रहे है गाइस, बहुत अर्थक्वेक आ रहा है क्या? हो भाई भाई साहब गाइस लगता है मुझे कोई मिल गया और वो कोई और नहीं शिनचान ही है। गाइस अगर इसके अंदर शिनचान निकल गया ना भाई, तो मैं अपने से इंटेलिजेंट बंदे से नहीं मिला हूँ फिर। लगता है तुम मुझसे ठीक से नहीं मिले हो। भाई तेरे से ठीक से मिल लिया हूँ, इसलिए मेरे को पता है तू इंटेलिजेंट नहीं है। गाइस अब अपना वो समय आ गया, मतलब अपने इतने बड़े रिसर्च को देखते हैं क्या वो सही है गलत। 3 2 लेट्स गो। आर्यन भाई इतना सता के क्यों आउट किया? भाई सता के क्या, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं सही खोल रहा हूँ या गलत। गाइस क्योंकि मैंने इसे खोल लिया, मेरे को कॉन्फिडेंस आ रखा है भाई, इसे भी फोड़। अच्छा ओके वोगी वोगी आउट। यस गाइस फाइनली, मतलब लगातार दो अगर गाइस ये तीसरे में भी कोई निकलता है ना भाई, तो हैट्रिक हो जाएगी। गाइस हैट्रिक तो सेलिब्रेट करनी बनती। ओके ओके इसके अंदर कोई है? ओ भाई आलोक, अरे यार इतना बुरा कौन मारता है? गाइस अपनी हैट्रिक होगी भाई, मतलब गाइस हैट्रिक, इसके लिए एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक कर दो हैट्रिक के लिए। ये सब मेरे नाम से जाएगा ना, क्योंकि मैंने ही तो किया है ये सब। एक मिनट, ओ मैं सिर्फ तेरी मदद ही कर रहा हूँ क्या? गाइस ये सब चौप के खाते में जाएगी, मतलब सारी तारीफ सारी शाबाशी चौप ले जाएगा। मेहनत मैं कर रहा हूँ और तू नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। अब मैं नहीं खोज रहा फिर। अच्छा ठीक है भाई, तुम ही ले लेना पूरा क्रेडिट। हाँ ये हुई ना बात। लेकिन एक बात तो है, तुम्हें खोजने का क्रेडिट तो मुझे ही जाएगा ना, तो एट दी एंड सब मुझे ही शाबाशी देंगे। अच्छा चुप कर तो गाइस, ये ना अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। एक गुड लुकिंग डॉग। अरे भाई साहब गाइस इसके जैसा कॉन्फिडेंस ये मेरे को, मतलब आप समझ रहे हो ना। अब अपन सीधा सीधा खोज है। इसके अंदर से मेरे को डॉग जैसा साउंड आ रहा है, मतलब जैसे कुत्ते सांस लेते हैं। ओके निर्मा 3 2 1 लेट्स गो। ओ भाई गाइस इसके अंदर निर्मा थी, इसका मतलब अपन सही थे। अब ना सोचने की बारी है, क्योंकि अब ज्यादा बंदे बचे नहीं है। और ठीक है गाइस इसको खोलते। ओ भाई शिट, हमने एक चांस वेस्ट कर दी। एक और। ओ भाई एक मिनट, ये तो वेस्ट करी, लेकिन हमें कोई मिल गया। गाइस ये बंदा कितनी भी कोशिश कर ले ये नहीं छुप पाता है भाई, नहीं छुप पाता है। ओके अब सिर्फ 2 जन बचे हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही चांस मिलेगी गाइस, और हमारे पास 2 कंटेनर है। 2 कंटेनर, एक बंदा, एक चांस, क्या होगा? तुम न्यूज चैनल जैसे क्यों बता रहे हो छोटी खबर को मसाले लगा के? गाइस एक मिनट, मैंने एक चीज तो रियलाइज ही नहीं करी, दोनों में से किसी को भी खोलू कोई तो निकलेगा ही, क्योंकि गाइस दोनों ही बचे हैं, बस इसे खोल। क्या खाली फुट? ये क्या, ये पॉसिबल ही नहीं है गाइस। अगर यहाँ 9 बंदे थे। एक मिनट, इसका मतलब ये पॉसिबल है, 2 बंदे एक कंटेनर में छुपे। गाइस ये ट्विस्ट पे ट्विस्ट हो रहा है मेरे साथ। ओके भाई 2 बंदे एक साथ अंदर छुपे थे भाई, ये दोनों तो पक्के दोस्त निकले गाइस, मतलब इन्होंने मुझे ही टोपी पहना दी। और गाइस इसी के साथ वीडियो खत्म होती है, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेट्स गो।